अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी बहुत ही इजी तरीके से। चलो देखते हैं इसे आज कैसे बनाना है। सबसे पहले प्रेशर कुकर लें, इसमें जाएगा 1/2 kg मटन है, 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 खड़े मसाले, 1/2 tablespoon टर्मरिक पाउडर, 1/2 tablespoon सॉल्ट, और इसी में ऐड कर देंगे बटर और थोड़ा सा पानी। एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और मटन गलने तक पका लें। सबसे पहले एक बर्तन लें, बर्तन में ऑयल ऐड कर दें थोड़ा। तेल गरम होने के बाद 3 onion ऐड कर दें, इसी में ऐड कर दें 4 से 5 हरी मिर्च। प्याज का कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। प्याज का कलर चेंज होने के बाद 2 टमाटर ऐड कर दें, 2 बड़े साइज के टमाटर होंगे, और इसी में ऐड कर दें गला हुआ मटन, और इसी के साथ जाएगा 2 tablespoon कोरिएंडर पाउडर। इसी के साथ ही ऐड कर देंगे रेड चिल्ली पाउडर 3 tablespoon, आप अपने हिसाब से ऐड कर दें। इसी के साथ ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला 1 1/2 tablespoon, और अच्छे से मिक्स कर दें। इसे 2 मिनट तक मसालों में पका लें। इस तरीके से पकाने से मटन में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ ऐड कर देंगे कोरिएंडर और मिंट लीव्स 3 कप ज़ीरा राइस के लिए 6 कप गर्मा गर्म पानी ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। अगर नमक चाहिए तो आप यहीं पर ऐड कर दें। अच्छे से उबल आने के बाद इसमें चावल को ऐड कर दें। एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। 90% पकने तक इसे ढककर पकाएं। देखिए यहाँ पर चावल 90% पक चुका है। फिर से थोड़े कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दें और थोड़े से पुदीना। एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। फिर से एक बार ढक दें और कोई भारी चीज़ इस पर रख दें और लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएं। देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, भारी चीज़ को हटा देंगे और यहाँ पर बिरयानी भी पूरी तरीके से पक चुकी है। गैस के फ्लेम को बंद कर दें। देखिए यहाँ पर परफेक्ट बिरयानी बन चुकी है। अगर आपको मटन बिरयानी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।